हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें ये सेकंड मेथड है, दैट इज इंटीग्रेशन अराउंड अ स्मॉल सेमी सर्कल। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था इंटीग्रेशन अराउंड अ यूनिट सर्कल। तो इसमें क्या अलग है इंटीग्रेशन अराउंड अ स्मॉल सेमी सर्कल? तो ये बहुत छोटा सा रिव्यू मैं बता रहा हूँ इसका। आप एक स्मॉल सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे अबव द रियल एक्सिस, ओके। तो जितने भी आपके पोल्स होंगे उस रियल एक्सिस से ऊपर, वो सारे इनसाइड माने जाएंगे उस सेमी सर्कल में, राइट। तो उसको ये नहीं कहेंगे कि हम लोग इसे सेमी सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि सेमी सर्कल छोटा है। सेमी सर्कल वो इतना बड़ा लिया गया है कि इसमें जितने भी रियल एक्सिस से ऊपर पोल्स आएंगे वो सब उसके इनसाइड में होंगे। तो मैं इसका थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको लिखने के लिए। तो हम क्या इवेल्युएट करते हैं बेसिकली, ओके। सो दिस इज, ये क्वेश्चन आता है ऐसे, टू इवेल्युएट इंटीग्रल ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इवेल्युएट करने के लिए आपको ये आएगा, ओके। और हमें क्या करना है पहले, देन वी कंसिडर इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, राइट। और एक पहले मैं यहाँ पर आपके लिए स्मॉल सेमी सर्कल बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया, दिस इज माइनस आर आर, ये रेडियस है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल सेमी सर्कल को सी आर से, ठीक है। और जिसका रेडियस क्या है, आर है, राइट। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, वेयर, अब सी को बताना कि सी है क्या, वेयर सी कंसिस्टिंग या वेयर सी इज द कंटूर, ऐसे बोल सकते हैं आप, वेयर सी इज द कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ दी सेमी सर्कल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। एंड सेमी सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, आर है, और किसके साथ, टुगेदर विद दी डायमीटर दैट क्लोजेज इट। तो समझ में आया, ये सी क्या है बेसिकली, दिस सी इज नथिंग बट दिस स्मॉल सेमी सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज आर, राइट। एंड दिस डायमीटर कहाँ से कहाँ तक, माइनस आर से आर, सो ये डायमीटर हो गया, राइट। तो यही लिखा है, दिस सी इज द कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ द सेमी सर्कल सी आर मोड जेड आर टुगेदर विद द डायमीटर ही हो गया, दैट क्लोजेज इट, राइट। तो अब इससे कैसे करना है, सो बाय रेसिड्यू थ्योरम, यहाँ पर जैसे लगाते हैं हम लोग बाय रेसिड्यू थ्योरम हमें क्या पता है, इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज 2πi, राइट। और समेशन किसका, रेसिड्यूज लिखते हैं, रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, ऐसे लिखते हैं। तो अब सी क्या बताया हमने, सी हमने बताया ये स्मॉल सेमी सर्कल है और ये माइनस रियल लाइन, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो क्या दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज सी आर स्मॉल सेमी सर्कल, राइट, दिस इज एफ जेड डी जेड और ये आपका डायमीटर, इसको इन्वॉल्व करना है। तो इन्वॉल्व कैसे करेंगे, माइनस आर से आर है और ये रियल लाइन पर है, तो क्या होगा, दिस इज फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये आपका सेम रहेगा, 2πi सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, ठीक है। जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, इसके बाद क्या करना है आपको, फाइनली मेकिंग आर टेंड टू इन्फिनिटी, राइट। ये इन्फिनिटी क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखो ऊपर देखो थोड़ा सा, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बोला है, तो ये आर टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा और बाद में ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो कैसे हो जाएगा, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। आर टेंड टू इन्फिनिटी, देन वी फाइंड दी वैल्यू ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स provided integral over c r f z d z
टेंस टू ज़ीरो एज आर टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब आर टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो यहाँ से ऊपर से आप देखेंगे तो सी आर मोड जेड इक्वल टू आर, तो आर भी तो मोड जेड टेंड कहाँ करेगा, इन्फिनिटी पर करेगा। तो जब मोड टेंड इन्फिनिटी पर करेगा तो जो फंक्शन होगा आपका एफ जेड, तो वो फंक्शन ही बेसिकली ज़ीरो हो जाता है जब आप आर टेंड को इन्फिनिटी करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, ये इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ जाएगी जब फंक्शन ही जीरो आ जाएगा। जब फंक्शन जीरो हो जाएगा तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, तो अल्टीमेटली वैल्यू आपको इसकी मिलेगी जो आपको इवैल्यूएट करने के लिए दिया जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो आपको इंट्रोडक्शन का इंटीग्रेशन अराउंड अ स्मॉल सेमी सर्कल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।